एक दो जुमा पहले एक मस्जिद में जाना हुआ। कुछ साथी मेरे साथ और भी थे, हम थोड़ा देर से पहुंचे। वहां पे इमाम साहब खिताब फरमा रहे थे, तो कुछ साथियों ने जाके सामने खड़े होके नमाजें पढ़ने शुरू कर दी। तो वो मौलाना साहब बयान करते रहे और आखिर में एक नसीहत करके चला गए। मैंने सोचा कि आज उसी से अपनी बात का आगाज करूं और वो नसीहत अपनी मस्जिद में अपने लोगों को भी कह दूं। वो कहने लगे कि बेहतर ये है कि इंसान जब मस्जिद में जाए तो टाइम पे जाए, वक्त पे जाए, या घर से सुन्नते नवाफिल पढ़कर जाए कि मस्जिद में जाकर टाइम पर पहुंचे और वहां पर जो इमाम साहब खुतबा दे रहे हों, जो इमाम साहब बातें इस्लाम के बारे में कुछ बता रहे हों, उनको सुनने की नीयत से करीब जाकर बैठ जाए। कहा, हम इसका उलट कर देते हैं कि सुनते तो पढ़ते नहीं, लेकिन इमाम साहब के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर करके नीयत बांध लेते हैं। कहा, हमारी नमाजें नहीं टूटती। कहा, अब इमाम साहब भी गुनाहगार कि अब वो जिनको बयान कर रहा है उसके सामने वो लोग खड़े हैं जो नमाज में खड़े हैं, अब वो बयान किसको सुनाए। और कहा, जो दूसरे लोग हैं जो सुन्नत नवाफिल से फारिग है, कहा वो पहले सब में बैठेंगे नहीं, वो दूर दूर बैठेंगे, कहेंगे हमें यहाँ पर भी आवाज पहुंचती है, हम यहाँ से सुनते रहे। कहा, वो वहां से बैठे रहते हैं और सुनना उनको चाहिए था कि वो फारिग हो चुके, अब आगे आए वो सुने। कहा, वो दूर बैठते हैं, आगे खाली जगह रहती है। कहा, नए नमाजी आने वाले वो आके इमाम के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जी हमारी नमाज ही नहीं टूटती। और खुद जब मैं और आप भी गौर करते हैं ना कि अगर कोई बोलने वाला हो, और हदीसे पाक के अंदर तो यहाँ तक आया कि जब नमाज हो रही हो, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, उस वक्त जोर से जिक्र करना जायज नहीं। कि जिक्र जोर से किया जाए वो जायज नहीं। क्यों? कि वो तो जिक्र करना सवाब का काम है, लेकिन उसकी वजह से एक बंदा नमाज के अंदर मुबतला, नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज में हलत मलत हो जाए, उसकी नमाज में उसको हुरूफ भूल जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सी सूरत पढ़ रहा हूँ, उसमें खलत मलत हो जाए। कहा, इसके लिए कि वो वहां पर जिक्र भी जोर से जिक्र ना किया जाए, आहिस्ता जिक्र किया जाए, सिरी जिक्र हो। लिहाजा हम भी जब यहाँ पे आए, टाइम पे आए, सुनते पढ़ के आगे बैठे, और फिर जो बाद में आने वाले नमाजी है वो हजरात थोड़ा पीछे हट के नमाज पढ़े, दीवार के साथ पढ़े, कहीं पिलर वगैरह की आड़ में नमाज पढ़े, ताकि सामने वो लोग मुतवज्जा हों जो जो नमाज से फारिग हों, जो बात सुनने के लिए तैयार है, और वो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं वो थोड़ा हटके नमाज पढ़े ताकि उनकी नमाजों के अंदर खलल वाकई ना हो, वो भी अपनी नमाज सुकून से पढ़ सके। लिहाजा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता।